ओम शांति। आज 2 अप्रैल 2024, आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 6 बजे और सायं 4 बजे मुरली का मंथन करते हैं। मंथन करने से हमें एक दूसरे के द्वारा सहयोग मिलता है सत्य तक पहुंचने में। कभी कोई, क्योंकि हर एक के अनुभव इसमें जुड़ जाते हैं। किसी को कोई बात समझ में नहीं आई तो दूसरे से समझ में आ जाती है। तो हमारा एक ही टाइम में, थोड़े समय में हमारा सबका लाभ होता है। जो नहीं भी पूछता, जिसने सोचा भी नहीं था कि इसकी गहराई क्या है, उसको भी वो सब मालूम पड़ जाता है और उसे फिर हम अपने जीवन में सहज रीति धारण भी कर सकते हैं। तो आप सभी जो भी गूगल मीट पर या यूट्यूब लाइव पर जुड़ना चाहते हैं, वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक ले सकते हैं। यदि आपको लिंक नहीं मिल रहा है तो आप नीचे व्हाट्सएप नंबर देख रहे हैं, वहां आप लिख कर भेज देंगे तो हम आपके पास लिंक भेज देंगे। आप जो भाई बहने बाद में मुरली पढ़ते हैं, उनके भी मन में कोई सुझाव, कोई विचार आता है या कोई प्रश्न आता है तो वे भी आप लिख कर भेज देंगे तो वह हम किसी और दिन मुरली में जैसे भी मंथन के लिए लाएंगे, ताकि उसका आपको भी लाभ मिले और सबको भी उस बात का लाभ मिले। पता नहीं कौन सी बात किसके कारण से सबको समझने में सहयोगी बन सके। ओम शांति। आज की मुरली का सार, मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे और संग तोड़, एक संग जोड़ो, एक मेरे संग ही अपना रिश्ता जोड़ो। भाई भाई की दृष्टि से देखो, सबको किस नजर से देखो, भाई भाई की दृष्टि से देखो तो देह नहीं देखेंगे, क्योंकि हमने तो आत्मा को देखना है। परमात्मा ने सीख लिया है, जानता है वो, सीखना क्या, उसको तो पता है परमानेंट, कि वो तो हमें सिखाने आए हैं कि मैं हमेशा आत्माओं को ही देखता हूं, मैं इस देह को नहीं देखता हूं। हमें भी समझ में आता है कि हमारा देह का रिश्ता भी भाई के साथ होता है। हमारे भाई की गाड़ी आ रही हो तो भी हमारे दिल में होता है, देखे गाड़ी चलाने वाला मेरा भाई है या नहीं है। शीशे में से जब तक हम उसको नहीं देखते तब तक तसल्ली नहीं होती, अच्छा नहीं लगता। हाँ, हमारा ही भाई गाड़ी चला रहा है, क्योंकि हमें मालूम गाड़ी मेरे भाई की है, पर तो भाई तो अंदर बैठा है ना। और अब हमें बाबा ने सिखाया, बच्चे ये तो गाड़ी है, इस गाड़ी के अंदर, इस गाड़ी को चलाने वाला भाई है। उस भाई को देखने की आदत बनाओ। जब हम भाई भाई को देखेंगे, देह को नहीं देखेंगे, दृष्टि बिगड़ेगी नहीं, दृष्टि बिगड़ेगी नहीं। और जब हम आत्मा आत्मा को देखेंगे तो सामने वाला भी महसूस करता है, ये क्या देखते हैं, बाकी दुनिया जैसे देखती है वैसे ये तो नहीं देखते, ये तो कुछ और ही देख रहे हैं, उनको अलग से लगेगा। तो वाणी में ताकत रहेगी। जब किसी को देखते हैं ना भाई भाई, तो वो जो बातें बता रहे हो तो ध्यान ही नहीं रहते। क्या नहीं, बात है, क्या बात है, वो भाई भाई की तरफ ही ध्यान रहता है दिमाग में। हाँ फर्क तो पड़ता है, फिर वाणी में भी ताकत आती है, वो क्योंकि हम किस संबंध से देखते हैं उस संबंध से बात करते हैं ना।
जो हमारी दृष्टि है, जो हमारी वृत्ति है, जो हमारे अंदर है, वो फिर अभिव्यक्ति में आता है। जब हम आत्मा को देखेंगे, आत्मिक दृष्टि से फिर बात करेंगे, तो वाणी में भी क्या आएगी? ताकत आएगी। प्रश्न, बाप बच्चों का कर्जदार है, नई बात है ना? बाप बच्चों का कर्जदार है या बच्चे बाप के कर्जदार है? बाप कर्जदार है। क्या क्या कर्जा लिया आपने? सुनाने का कहते हैं ना, 1 रुपया करोगे तो 1,00,000 रुपया मिलेगा। हाँ नहीं, तो फिर क्या कर्जा है? तो बाबा किस चीज का कर्जदार है? ज्ञान सुनाने का। क्या हमने उसको ज्ञान सुनाया है? उन्होंने थोड़ी है, वो तो इस चीज में कर्जदार तो तब होता है ना जब हमने उसे कुछ दिया। आपको हमने एक, हमने 100 रुपए दे रखा है, तो आपने 100 रुपए मेरे को देना है ना, तो आप कर्जदार हो। तो हम अपना सब कुछ दे देते हैं, क्या करता है? लेता है बाबा हमारे से? कुछ नहीं लेता बाबा, लेता ही नहीं है। वैसे कह देता है, फिर लेता तो है ही नहीं। जब लिया नहीं तो देगा क्यों? इनके 5,000 साल का वो कर्ज है, बस वही देना। क्या कैसे कर्ज कैसे कहते हो भाई? कर्ज तो हमारे यहाँ, तो उसका आप ड्यूटी कह सकते हो। हमारी लैंग्वेज हो गई कर्ज की, तो अपने बच्चों को समझाने का बाप का कर्ज होता है। हाँ जी, अपने बाप का प्यार है जो कह रहा है कि मैं कर्जदार हूँ। अच्छा, ये कर्जदार, अपने आप को कर्जदार कहना प्यार होता है। सुन लिया बात? हाँ, ये प्यार है बाबा को हमारे से, कहता है मैं तुम्हारा कर्जदार हूँ। हाँ जी, उसने वायदा किया था मैं आऊंगा। ऐसा है कि ये उसके भरोसे पे तो हम ड्रामा में गिरे हैं ना, ड्रामा में बना है। नहीं, बाबा ने ये तो ना वायदा किया था कि तुम गिरो, मैं आऊंगा उठाने के लिए। हाँ, तो 2 मुट्ठी चावल क्या बाबा ने कभी लिए? आप देते हो क्या? आपने बाबा को दिया? ध्यान दीजिए, बाबा आज लास्ट मुरली में नहीं। यही बात आज की मुरली में समझने से पहले आपके साथ हम चर्चा कर रहे हैं, ताकि आप मुरली को ध्यान से समझ सकें। बाबा कभी पैसे नहीं लेता। बाबा कहता है, ब्रह्मा बाबा को भी कहा, तन मन धन ये मुझे दे दे, तो उसने दे दिया। हमें भी रोजाना बाबा कहते, अपना तन मन धन मुझे दे दो, हम सियाने नहीं दे रहे। अब जिन्होंने दे दिया, जो कहते अच्छा बाबा ले लो, तो बाबा कहता है क्या करूं मैं तुम्हारा बीमार तन, किसी भी काम में ना आने वाला धन, गंदा मन, मैं क्या करूं? लेने के बाद कहते हैं ना, बिना लिए कहते हैं मैं क्या करूं? अब जब दे दिया उसको फिर कहते हैं भाई तेरा क्या? हाँ, क्या करूं मैं? लेके कहते हैं लिया नहीं। बहन जी, यही बात समझनी है, लेता नहीं, लेने से पहले कह रहा है। जब देने के लिए कहो ना, जो सियाने हैं, हमने नहीं दिया तो नहीं दिया। अब जिन्होंने दे, कहते हैं अच्छा ले लो, तो कहते हैं अच्छा क्या करूं मैं तुम्हारा बीमार तन, किसी भी काम में ना आने वाला धन, बीमार गंदा मन, सारा दिन गंध मन में चलता रहता है, क्या करूं मैं उसका? अच्छा चलो कोई बात नहीं, अब तुम इसको रखो अपने पास, अब तुम रखो अपने पास, मेरे को मत, मेरे को नहीं चाहिए तुम्हारा, मैं क्या करूंगा इसका? अब इसको मेरी श्रीमत पर चला, अब इस शरीर से वो करो, वैसा करो जैसा मैं कहूं, इस धन को वैसे खर्च करो जैसे मैं कहूं, ठीक है ना? इस मन से वो सोचो जो मैं कहूं। जैसे बहुत अच्छी तरह से समझ लेना है कि हमारे, मैं हूं या कोई भी है, उससे कोई काम बिगड़ रहा है, उससे काम सुधर नहीं रहा, तो वो किसी ना किसी सियाने के पास जाएगा, कहेगा भाई मेरा काम नहीं बना, तू जैसे कहना मैं वैसे करूंगा। अब उसको सियाना बताता है ऐसे ऐसे कर, ऐसे ऐसे कर, तो सुधर जाता है, उसका काम सिमट जाता है, संभल जाता है। हमारा काम बिगड़ रहा था, हम बाबा के पास गए कि बाबा आप जैसे कहोगे ना हम वैसा करेंगे। बाबा कहते मेरी डायरेक्शन पर करो, अब हम उसकी डायरेक्शन पर करेंगे तो ठीक हो जाएगा। मतलब ये बातें बहुत क्लियर समझनी है कि बाबा लास्ट में भी हमारे साथ कहेगा, अब तो पहले पहले तो कह रहा है कि कर्जदार हूं, उसके बाद जाके कहने वाला है कि ये मत कहना कि हमने बाबा को दिया।
बाबा क्या करेगा लेकर के, है ना? तो बाबा को चाहिए क्या? बाबा को नहीं चाहिए। बहुत अच्छी तरह से बाबा समझाना चाह रहे हैं आज, क्योंकि बाबा बच्चों के अंदर आकर के प्रश्न क्रिएट करते हैं और उस प्रश्न को लास्ट तक सॉल्व भी करते हैं कि मैं तुम्हारे से कुछ लेता नहीं, ये ज्ञान जो मैं तुम्हें देता हूं ये मेरी ड्यूटी है, ये मेरा फर्ज है, मेरा पार्ट में रोल में पार्ट है, मेरा रोल है, मेरा पार्ट है। बाबा को हम ज्ञान नहीं सुनाते। बहुत सारे भाई बहन पूछते हैं कि बाबा भी तो हमें इतने समय से ज्ञान सुनाता है, क्या हम बाबा को ज्ञान सुनाते हैं? क्योंकि कर्मों का हिसाब किताब है ना। परंतु ये परमपिता परमात्मा बिल्कुल आत्मिक स्थिति में रहते हैं, कभी भी ये बात नहीं भूलते कि मैं आत्मा नहीं हूं, उनको कभी विस्मृति नहीं होती। उस विस्मृति ना होने के कारण वो किसी के अटैचमेंट में नहीं आते। कहीं से कोई गलती तो हम भी नहीं करते, परंतु उसके द्वारा सारे एक्ट रूहानी होते हैं, और रूहानी एक्ट होने के कारण आत्मा का अकर्म बनता है और उस अकर्म में कुछ भी लेना नहीं पड़ेगा। परमात्मा को हमसे कुछ भी लेना नहीं पड़ता, ये बात हमें बहुत अच्छी तरह से समझनी है। परमात्मा कर्जदार नहीं है, वो भी आपको आज बाबा स्पष्ट करते चलेंगे। ये या बच्चे बाप का कर्जदार है। उत्तर, तुम बच्चे तो अधिकारी हो, बाप तुम्हारा कर्जदार है। बच्चे तुम कौन हो? अधिकारी हो, मालिक हो। तुम तो मेरे क्या हो? मालिक हो। नैनों के नूर हो, सिर के ताज हो, दिल के तख्त पर बैठने वाले हो, दिल का टुकड़ा हो, ठीक है? तो बाबा हमें तो अपने सिर पर चढ़ाता है ना, जैसे बच्चे को बाप भी अपने सिर पे चढ़ाता है। आएगा, उसको बिठाएगा, बैठने की जगह ही नहीं है, कंधे पे बिठाएगा, सिर पे बिठाएगा। तुम बच्चे दान देते हो तो तुम्हें एक का सौ गुणा बाप को देना पड़ता है। कैसे बना रहा है बुद्धू हमें? एक का सौ गुणा देना पड़ता है। कब देगा सौ गुणा? आज हम एक रुपया दे देते हैं, भंडारी में डाल देते हैं एक रुपया, कब देगा हमें सौ रुपया? सतयुग में रुपए नहीं होते, फिर कैसे देगा? और दूसरी बात, सतयुग में वो आता नहीं। चलो त्रेता का नाम लो तो त्रेता में भी नहीं आता, द्वापर में कहो तो द्वापर में नहीं आता, कलयुग में नहीं आता, और संगम पर आता है तो कंगाल कुछ है ही नहीं उसके पास देने के लिए सिवाय ज्ञान के। नहीं मतलब मुझे बताओ ना, कब वो एक का सौ देगा? ये एक ये बहन कह रही है, आप पैसे देते हो भंडारी में, उन भंडारी के पैसे से जिन आत्माओं को परमात्मा से वर्षा मिलता है, परमात्मा से सुख मिलता है, ज्ञान मिलता है, उसके जीवन में सुधार आता है, वो आत्मा आपको सुख स्नेह सहयोग देने के प्रति निमित्त बनेंगे ना। जिनको आपका तन मन और धन तीनों से, चाहे आपने किसी भी तरीके से किसी आत्मा को भगवान से मिला दिया, भगवान के खजानों का मालिक बना दिया, कितना बड़ा मालिक बनाया, सारे संसार के वो मालिक बन गए। आपने किसी आत्मा को संसार का मालिक बना दिया, अब वो आपके प्रति क्यों ना प्यार सहयोग आपके प्रति सम्मान नहीं रखेगी? क्यों नहीं रखेगी? आपने उसको सारे संसार का क्या बना दिया? मालिक बना दिया। चाहे आपने तन की सेवा की, चाहे मन से सेवा की, चाहे धन से सेवा की, ये सेवा है। जिन आत्माओं को सुख मिला वो आपको सुख देने के निमित्त बनेंगे। आप मर्जी आए एक आत्मा को सुनाओ, आपकी मर्जी आए दस का कल्याण करो, आपकी मर्जी आए हजार का कल्याण करो। जितना का कल्याण करेंगे उतना आपको मिलेगा, उतना गुणा हो जाएगा। बाबा ना देवे कुछ फंसता नहीं है वो, पक्का ध्यान रखना। हां जी, अपने पुरुषार्थ से होगा। हाँ, जो करेगा जितना करेगा जिसको देगा उसी से लेगा, बाबा लेता ही नहीं। बाबा ने ये विधि सिखा दी है
ऐसे करोगे तो फायदा है। वही बाबा का अनमोल खजाना है जो आपसे बता दिया। बता दिया, ये बता दिया। अब ये जिसको समझ में आ गया और जिसने किया वो पालेगा, बाकी बाबा नहीं लेता नहीं देता। ये बात हमें बहुत अच्छी तरह बुद्धि में रखना है, क्योंकि लेने देने के चक्कर में फंस जाए तो वो हमारे ही चंगुल में हमारे जैसा बन जाएगा, वो हमारी संगत में नहीं आता। इसलिए बाबा ने बड़ा क्लियर लाइन याद रखनी है, मैंने तुम्हारा कहना नहीं मानना, तुमने मानना है, तुमने सुधरना है, मैंने तुम्हारे लिए बिगड़ना नहीं है। क्योंकि तुम तो बिगाड़ने वाली कहने बताओगे, हम उसको सुधरने वाला बताएंगे? हम जो भी कहेंगे उसको बिगाड़ देंगे, अपने जैसा बना देंगे, ठीक है? तो वो हमारा कहना बिल्कुल भी नहीं मानेगा, हमने कहना ही नहीं है उसको, हमने कहना ही नहीं, हमने सिर्फ उसका कहना मानना है। जो बाबा ने लाइन लगा दी कि मैं तुम्हारा कहना नहीं मानूंगा, तुमने मेरा कहना मानना है, तो हम कभी भी बाबा को कुछ भी करने के लिए नहीं कहे, क्योंकि उसने हमारा कहना नहीं मानना। सौ गुना बाप को देना पड़ता है। ईश्वर अर्थ तुम जो देते हो दूसरे जन्म में उसका रिटर्न मिलता है। तुम चावल मुट्ठी देकर विश्व का मालिक बनते हो। आपने चावल मुट्ठी खर्च किया, क्या खर्च किया? जो यहां बेकार जाने वाला था, यदि हम उसको खर्च नहीं करेंगे, इस शरीर को हम सेवा में यूज नहीं करेंगे, इसको भी जला देंगे दो चार दिन बाद, इस धन को हम यूज नहीं करेंगे तो उड़ा देंगे, तो बच्चे आएंगे उड़ा देंगे, उन्होंने कौन सा संभाल के रखना है? गुड़गांव गांव के हमने देखा, हमारे इस गुड़गांव गांव के लोगों को मैंने देखा, जो जमीनों के मालिक थे वो नालियों में पड़े हुए थे। पैसा मिला ना उनको, मकान जमीन बिकी, पैसा मिला, बस दारू की ऐसी आदत पड़ गई, नशे की ऐसी आदत पड़ गई, सारे सारा कुछ बर्बाद करके जो संभल गए। जिन्होंने और प्लाट ले लिए और जमीनें खरीद ली वो उनका भाग्य बन गया, जिन्होंने किया तो उनका खत्म भी हो गया। तो इस प्रकार से हमें नहीं यूज करेंगे तो किसी की दबी रहेगी धूल में, किसी की राजा खाए, चोर लूट ले जाए या आग जलाए, चार में से कुछ ना कुछ तो काम होगा ही, ठीक है? हम उसको यूज नहीं करेंगे तो इसी प्रकार से जाना है ना, तो इसलिए चूना अपने हाथ से करके उसको फायदे में लगा दिया जाए, जल तो जाना है। बिल्कुल बिल्कुल, उनको अचानक एकदम पैसा मिल गया ना, तो उनको लगा क्या करें, तो उनको लगा यही एक शराब है जिसपे खर्च कर सकते हैं बस, तो उन्होंने अपना बर्बाद किया। जिन्होंने पैसे के वैल्यू को समझा उन्होंने किया। मतलब भाव मेरा कहने का है कि हमारा सब कुछ तन भी मन भी धन भी तीनों खत्म हो जाने हैं, हमें समझ में आ गया, सब कुछ समझ में है, परंतु हम उसे बाबा की श्री मत पर खर्च कर दें, प्रयोग कर दें, तो हमारा भविष्य बन जाएगा। विश्व के मालिक बनते हो, तुम्हें कितना फ्राक दिल होना चाहिए, कितना बड़ा दिल होना चाहिए कि सारे संसार की आत्माएं मेरे भाई हैं, मैंने सारे संसार की आत्माओं को बाप का परिचय देना है, मैंने बाबा को दिया। कितनी क्लियर लाइन है, देखो दो लाइनों के बाद सीधा गया, मैंने बाबा को दिया, ये ख्याल भी कभी नहीं आना चाहिए। कहना तो दूर, अंदर ख्याल भी ना आए कि मैंने बाबा को दिया, तो दिया कहां? बाबा को दिया कहां? बाबा को बाबा कहते तुम मुझे देते हो कि लेते हो? आपने मेरे डायरेक्शन पर विकार छोड़े तो तुम्हें फायदा मिला ना, तुमने जो चीज भी छोड़ी तुम्हें फायदा मिला, कोई नुकसान मिला? अपने फायदे के लिए तुमने छोड़ा है, मेरे को क्या किया है, मैंने क्या करने तुम्हारे विकारों को लेकर के? ना मुझे तुम्हारा ये धन चाहिए, ना तुम्हारे विकार चाहिए। बाबा क्या करेगा? बाबा कहते विकार मेरे को दे दो, क्या करेगा बाबा विकारों का? उसने कोई अचार थोड़ा डालना है, उसको कुछ चाहिए नहीं,
ना हम उनको हमारा तन चाहिए, ना उसको हमारा मन चाहिए, ना हमारा धन चाहिए, ना हमारे विकार चाहिए। बस ये सिर्फ एक भक्ति की तरह हम भक्त बच्चों को बहलाने के लिए कि तुम मेरे को दे दो, बस और कुछ नहीं। लेना नहीं उसने, सिर्फ बाबा को देने का मतलब बाबा की श्रीमत पर हमें चलना है। ओम शांति। म्यूजियम प्रदर्शनी में समझाना है कि ये है पुरुष उत्तम संगम युग। समझदार तो सिर्फ तुम ही हो, सबको कितना समझाना पड़ता है कि ये पुरुष उत्तम संगम युग है। सबसे जास्ती सर्विस स्थान है म्यूजियम, वहां बहुत आते हैं अच्छे सर्विसेबल बच्चे, काम है सर्विस स्टेशन सब सेंटर्स हैं। दिल्ली में लिखा है स्पिरिचुअल म्यूजियम, लिख दिया बाहर, ठीक है ना, जैसे यहां पर भी लिखा है, ठीक है ना, हमारा सहज राज योग संग्रहालय म्यूजियम संग्रहालय बना दिया, ठीक है ना। सोचते कोई बहुत बड़ी चीज होगी, संग्रहालय है भाई, इसका भी ठीक अर्थ नहीं निकलता। बहुत लोग प्रश्न पूछते हैं, तुम भारत की क्या सेवा करते हो? आपसे कोई पूछता है कि तुम ये ब्रह्मा कुमारी क्या करती हैं, क्या सेवा करते हो? भगवान वाच है ना, ये है फॉरेस्ट जंगल। तुम इस समय जंगम पर हो, ना हो फॉरेस्ट के तो ना हो गार्डन के। ये दुनिया क्या है? जंगल है। जंगल में दुखी होता है, जंगल में कोई सुख तो हो नहीं सकता। और ना तुम फॉरेस्ट के हो ना गार्डन के। अब गार्डन में जाने का पुरुषार्थ कर रहे हो, तुम इस रावण राज्य को राम राज्य बना रहे हो। रावण राज्य को क्या बना रहे हो? राम राज्य। तो वो हमारी बुद्धि में सीधा कौन सा जाता है? दशरथ का बेटा राम और लंका का राजा रावण, परंतु हमारी बुद्धि में वो नहीं आना चाहिए। हमारी बुद्धि में एकदम स्पष्ट होना चाहिए, राम है शिव बाबा और रावण है आसुरी संस्कार, आसुरी गुण अवगुण, ठीक है। तुमसे प्रश्न पूछते हैं, तो इतना खर्च कहां से आया? तुम्हारे पास पैसा कहां से आया इतना? भाई तुम क्या करते हो ऐसा, ठीक है नहीं? और तुम जो है ना राम राज्य बना रहे हो, तो तुमसे प्रश्न पूछते हैं इतना खर्चा कहां से आया, तो क्या कहोगे? बोलो, हम बीके ही करते हैं। राम राज्य की स्थापना हो रही है, तुम थोड़ा रोज आकर समझो कि हम क्या कर रहे हैं, हमारी एम ऑब्जेक्ट क्या है। वो लोग सॉवरेंटी को मानते हैं, दुनिया वाले सॉवरेंटी अंग्रेजी का शब्द है जिसका हिंदी में अर्थ होता है प्रभु सत्ता। प्रभु सत्ता, प्रभु सत्ता माना सर्वोच्च सत्ता, प्रभु सबसे ऊंचा होता है, तो प्रभु सत्ता का साधारण अर्थ बनता है सर्वोच्च सत्ता। तो अब सर्वोच्च सत्ता, पहले एक राजा होता था कि अपने वही सबसे टॉप है जी, वो जो कहेगा वही करना है, उसका कहना सब मानते थे। वो फिर करप्ट हो गया तो दो के पास चला गया पावर, और दोनों करप्ट हो गए तो पावर किसके पास चली गई? प्रजा के पास। आज भारत की राजा कौन है? प्रजा। जिसको भी कहे उससे काम करावे, काम ठीक ना करे तो उसको हटा देते हैं, दूसरे को बिठा देते हैं। आज किसके पास पावर है? प्रजा के पास, प्रजातंत्र है। आज प्रजा जिसको मर्जी आए सीट पर बिठाए, करो भी हमारे देश को चलाओ, तुम चलाओ, ठीक नहीं चला रहा है चल तू वापिस आ, उसको नीचे बुला लेंगे, वापिस बुला लेंगे, दूसरे को बिठा देंगे। मतलब कोई अपने आप में परमानेंट नहीं है। तो परमानेंट कौन है? प्रजा। सावरेंटी को मानते नहीं, इसलिए राजाओं की राजाई खत्म कर दी है। इस समय वो भी तमो प्रधान बन पड़े, राजा भी तमो प्रधान
बन पड़े हैं। इसलिए अच्छे नहीं लगते, उन्हों का भी ड्रामा अनुसार दोष नहीं। और ड्रामा में तो किसी का कोई दोष है ही नहीं, कोई मर्डर करे तो भी, भ्रष्टाचार करे तो भी, पाप करे तो भी, कुछ भी करे, जो उसने कर दिया वो उसका पार्ट था और वो राइट था। उसमें देखना कि इसने गलत किया है तो ये भी समझदारी नहीं है, किसी का दोष नहीं। जो कुछ ड्रामा में होता है वो हम पार्ट बजाते हैं, वो हम आत्माएं क्या करती हैं, पार्ट बजाती हैं। कल्प कल्प बाप द्वारा स्थापना का ये पार्ट चलता है, खर्चा भी तुम बच्चे ही करते हो, अपने लिए श्रीमत पर अपना खर्च कर अपने लिए सतयुगी राजधानी बना रहे हो और किसी को पता भी नहीं। कमाल की बात है, किसी को पता भी नहीं नहीं है। तुम्हारा नाम मशहूर है, तुम्हारा नाम मशहूर है, अननोन वॉरियर्स। कौन है हम? हम है अननोन वॉरियर्स। वास्तव में उस सेना में अननोन वॉरियर्स कोई होते नहीं, अननोन वॉरियर्स कोई होते नहीं है। सिपाही लोगों का रजिस्टर रहता है, ऐसे हो ना सके जिसका नाम नंबर रजिस्टर में ना हो। कोई सिपाही का नाम होगा जिसका रजिस्टर में नाम ना हो तो वहां कोई अननोन वॉरियर्स नहीं हो सकते। तो यहां अननोन वॉरियर्स कैसे भाई? आपका नाम रजिस्टर में लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ? फिर बाबा कहते हैं अननोन वॉरियर्स हो, उनका नाम रजिस्टर में होता है, पर तो इस नाम के रजिस्टर की कोई वैल्यू है? कौन देखता है इसको? हमें देखते हैं, हमें खुश हो जाते हैं, एक दूसरे को देखकर हम आ जाते, हमारा आज छुट्टी ना लग जाए, रजिस्टर में हमारा खाना खराब ना हो जाए। हाँ जी, असली रजिस्टर कहाँ है? मुझे पता था आप ये कहेंगे, मैं यही निकलवाने के लिए था, ऊपर भी रजिस्टर नहीं है, ऊपर भी रजिस्टर नहीं है। वो दुनिया वाले भक्ति मार्ग वाले कहते हैं कि ऊपर धर्मराज बैठा है, उसके पास चित्रगुप्त है, सूरज जाके दिन में लिखवाता रहता है, रात में लिखवाता रहता है, और चंद्रमा दिन में लिखवाता रहता है, तो ये सारा दिन देखते रहते हैं कौन कौन क्या कर रहा है। सूरज कैसे देखेगा हम कमरे में क्या कर रहे हैं, कैसे पता लगेगा उसको? तो रात को तो चंद्रमा को बेचारे को पता ना लगे। तो ये सारी बातें गपोड़ कहानियां थी। तो बाबा के पास, बाबा भी हमें उन गपोड़ कहानियों से बहला रहा है, ऊपर कुछ नहीं है, ऊपर कोई धर्मराज नहीं, कोई चित्रगुप्त नहीं, कोई यमराज नहीं, कोई हिसाब किताब नहीं लिखा जाता, हर आत्मा के अंदर ही अपना अपना पार्ट लिखा हुआ है। तो आप हो अननोन वॉरियर्स, गुप्त योद्धा। कैसे योद्धा हो? गुप्त योद्धा हो, तुम्हारा कोई रजिस्टर में नाम नहीं, तुमको कोई हथियार पंवार नहीं, कोई तुम्हें तलवार चाकू पिस्तौल कोई कुछ नहीं दिया। सुदर्शन चक्र नाम रखा है परंतु वो भी बता दिया, ये लोहे का मत खरीद लेना, चांदी सोने का भी मत खरीद लेना, वो भी तुमने अपना फ्री वाला घुमाना है, बैठे बैठे खुद घुमाते रहो और अपने बुराइयों का गला काटते रहो। तुमको कोई हथियार पंवार नहीं, गदा भी बस दिखा दी है, वो भी विष्णु को दिखाई है, हमें कहा है कि ये वाली गदा नहीं होती है कि खरीद के रख लो अपने पास, गदा पकड़ के रहना है, सारा दिन अलर्ट खड़े रहना है, कोई विकार हमारे पास अंदर घुस ना सके। तुमको कोई हथियार पंवार नहीं, इसमें जिस्मानी हिंसा तो है नहीं, योग बल से तुम विश्व पर जीत पाते हो, ईश्वर सर्वशक्तिमान है ना, याद से तुम शक्ति ले रहे हो, सतो प्रधान बनने के लिए तुम बाप से योग लगा रहे हो, तुम सतो प्रधान बने तो राज्य भी सतो प्रधान चाहिए, सो तुम श्री मत पर स्थापन करते हो, इन कागनीटो, इनको कहा जाता है जो है
परंतु देखने में ना आए। तुम शिव बाबा को भी इन आंखों से देख नहीं सकते। तुम भी गुप्त तो शक्ति भी गुप्त। तुम गुप्त ले रहे हो। तुम समझते हो हम पतित से पावन बन रहे हैं और ये पावन में और पावन में ही शक्ति होती है। जो पवित्र होते हैं ना उसमें ही ताकत होती है। तुम सतयुग में सब पावन होंगे। हम सतयुग में क्या होंगे? सारे के सारे पावन होंगे। उनको ही 84 जन्म की कहानी बाप बतलाते हैं। तुम बाप से शक्ति ले पवित्र बन फिर पवित्र दुनिया में राज्य भाग्य करेंगे। बाहुबल से कभी कोई विश्व पर जीत पा न सके। बाहुबल से कोई विश्व पर जीत पा न सके। यह है योग बल की बात। वो लड़ते हैं। राज्य तुम्हारे हाथ में आना है। राज्य तुम्हारे हाथ में आना है। बाप सर्वशक्तिमान है तो उनसे शक्ति मिलनी चाहिए। तो उनसे शक्ति मिलनी चाहिए। तुम बाप को और रचना के आदि मध्य अंत को भी जान लो। जानते हो? तुम जानते हो हम ही सुदर्शन चक्रधारी हैं। ये सबको स्मृति नहीं रहती। सबको ये बात याद नहीं रहती क्या हम सुदर्शन चक्रधारी हैं। हम अपने आप को देखने के लिए हैं। हमने अपने बुराइयों का गला काटना है। ये सबको स्मृति नहीं रहती। तुम बच्चों को स्मृति रहनी चाहिए क्योंकि तुम बच्चों को ही ये नॉलेज मिलती है। तुम बच्चों को ही ये नॉलेज मिलती है। बाहर वाले तो कोई समझ ना सके इसलिए सभा में बिठाया नहीं जाता। नए को क्लास में नहीं बिठाया जाता। उसे समझ में नहीं आएगा कुछ। उसे कुछ समझ में नहीं आएगा। यदि उसने बेसिक कोर्स नहीं किया उसे यहां बैठेगा कहेगा पागल बनाते हैं पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं। उनके सिर में कुछ एक भी बात पढ़ने वाली। पतित पावन बाप को सब बुलाते हैं परंतु अपने को पतित कोई समझते नहीं। अपने को पतित कोई समझते नहीं है। ऐसे ही गाते रहते हैं पतित पावन सीता राम रघुपति राघव। तुम सब हो ब्राइड्स। तुम सब कौन हो? ब्राइड्स। ब्राइड्स किसे कहते हैं? दुल्हन को। और ब्राइड ग्रूम किसे कहते हैं? ब्राइड दुल्हन को कहते हैं। ब्राइड ग्रूम हाँ जी ग्रूम किसे कहते हैं? अंग्रेजी में नौकर को ग्रूम कहा जाता है। अंग्रेजी में ये अंग्रेजी का शब्द है। ग्रूम कहा जाता है नौकर को। तो ब्राइड ग्रूम क्या हो गया? दुल्हन का नौकर। ठीक है ये बाबा की पढ़ाई देखा है ना अजीब सी है ठीक है। हाँ ग्रूम अकेला बोलेंगे तो नौकर और ब्राइड के साथ लग गया तो ग्रूम दुल्हन का नौकर हो गया। ठीक है क्या नहीं? अब बाबा देखो कैसे बात करता है। तुम सब हो ब्राइड्स और बाप है ब्राइड ग्रूम। बाप क्या बन गया है? अब आप यदि बाप को दुल्हा कहो तो भी मुसीबत है नहीं। बाप हमारा ब्राइड ग्रूम बन गया है। हमारा दुल्हा बन गया है। हमारा साजन बन गया है। सोच के देखो ना कैसी बातें पढ़ाता है बाबा। और बाप है दूसरा साजन है क्योंकि हम देह की दृष्टि से देख रहे हैं। बाबा देह की दृष्टि से नहीं देखता। साजन किसे कहा जाता है? हाँ जी हाँ जी क्या बोला? ग्रूम सर्वेंट होता है। जब ब्राइड के साथ ग्रूम लगाया तो दो शब्द इकट्ठे किए तो अर्थ क्या हुआ? दुल्हन ब्राइड हो गई दुल्हन
ग्रूम माना नौकर, दुल्हन का नौकर, अब उसे दूल्हा कहो जो मर्जी कहो, है तो वो नौकर ही ना, नहीं बना नौकर। परंतु यहां बाबा की पढ़ाई की तरफ ध्यान दें, वो हमारी जिस्मानी दृष्टिकोण है, परंतु रूहानी दृष्टिकोण को हम देखें तो साजन का अर्थ क्या होता है, क्योंकि हमारी हिंदी जो है ना बहुत अच्छी तरह अर्थ समझा सकती है, कोई और भाषा नहीं समझा पाती कई बातें। साजन किसे कहते हैं, मैंने कई बार बताया नहीं भाई, साजन, साजन बताओ, सजाना नहीं साजन। ऐसे तो मेरी पिटाई करवाओगे इतनी देर में, तो आपने नहीं बताएंगे तो कौन बताएंगे भाई। अब हम क्या कहते हैं, ये हमारे सज्जन है, किसको कहते हैं सज्जन, जो हमारे परिवार, जिनको हम अपना परिवार समझते हैं उनको हम कहते हैं सज्जन। सज्जन सत जमा जन, अच्छे जन, जो हमारे कल्याण करने वाले होते हैं उनको सज्जन कहा जाता है। माँ हमारी कल्याण करने वाली, बाप हमारा कल्याण करने वाला, भाई हमारा कल्याण करने वाला, बहन हमारी कल्याण करने वाली, जो हमारे रिश्तेदार बने वो भी हमारे कल्याण करने वाले, जिनके साथ हमारा रिश्ता जोड़ दिया तो हमारे सज्जन हो गए ना। हाँ, तोड़ मरोड़ की तो बात बनती है, तो पति भी एक सज्जन है ना हमारा, बाप भी हमारा सज्जन है, पति भी हमारा सज्जन है, ये सज्जन से धीरे धीरे हमने बना दिया उसको साजन, ये हमारा साजन है, बाकी सारे बेकार है। क्योंकि शादी होने के बाद पति के सिवाय तो कोई अच्छा लगता ही नहीं ना, पति के सिवाय कोई अच्छा लगता नहीं, बाकी सारे बेकार हैं, एक ये यही मेरा सज्जन है। हाँ जी, साथी की बात अलग है, सज्जन माना जो मेरा कल्याण। हाँ हाँ, मतलब सज्जन है, मतलब सज्जन मतलब सत्य जन, सच्चा जन, अच्छा जन, जो अच्छा जन होगा वो कल्याण करने वाला होगा ना, अच्छा उसी को कहेंगे ना, जो हमारा कल्याण करे, जो हमारा कल्याण करे। इसलिए तो बाबा कहता है मैं तुम्हारा बाप भी कल्याणकारी, तुम्हारी माँ के रूप में भी कल्याणकारी, मेरे से कोई भी रिश्ता निभाओ, मैं हर रिश्ते से तुम्हारा कल्याण करने वाला हूँ, मैं ही सिर्फ तुम्हारा सज्जन हूँ। मतलब ये हमारे देह के रिश्ते हमें भ्रमित करते हैं, हमने इन देह के रिश्तों से उठ करके सबके साथ, सारे मेरे कल्याणकारी हैं, कौन मेरा कल्याणकारी है, जो गालियां दे रहा है वो मेरा कल्याणकारी है क्या, वो भी मेरा सज्जन है, हिसाब किताब बराबर कर रहा है, तभी तो हम घर जाएंगे जब। हाँ जी, नहीं पति सरदर्द नहीं होता, यानी वो सज्जन ही होता है जब वो हमारा कल्याण करे, जब वो हमारा कल्याण ना करे तो वो दुर्जन हो जाता है, यानी उसे हम सज्जन नहीं कहते। तो कल्याण क्यों करेगा जब हिसाब ही है, तो फिर क्यों कल्याण नहीं, दुनिया मैं वही बता रहा ना, दुनिया की जब हम जिस्मानी दृष्टि से देख रहे हैं तब वो दुर्जन लगेगा, सिर दर्द लगेगा, टेंशन लगेगा। अब कई उन्हें फोन में लिखा होता है, जो परिवार वाला टेंशन देता है उसका नाम लिख देते हैं टेंशन, उसके नाम के आगे लगा देते हैं टेंशन, मतलब हाँ मतलब इस प्रकार से लिख देते हैं जैसा उनको मतलब लगता है, ठीक है नहीं। तो मतलब कहने का है कि मैंने देखा है कि फोन में लिखा हुआ था टेंशन, मैंने कहा ये क्या है भाई, ये टेंशन ही देते हैं, मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो मतलब कहने का नाम ही टेंशन लिखा, फोन आए तो पता लग जाए कि उसका फोन आ गया, नाम ही टेंशन लिखा हुआ। तो मतलब कहने का यह है कि हमें अब समझना है रूहानी दृष्टि से सभी सज्जन हैं, क्योंकि सब क्या दे रहे हैं, हमें क्या दे रहे हैं, सुख। वो अपनी तरफ से कुछ भी दे रहे हैं, हमारी तरफ से वो क्या है, सुख। हमारी तरफ से क्या है वो, वो जो मर्जी दे, वो जितना मर्जी तूफान डाले, कल्याण है, तो इसलिए वो सज्जन है। तो खैर अब हम बाप आगे चलते हैं, मतलब मेरा कहने से आपको समझ में आ गया होगा कि बाबा हमारा बाप भी है, वो हमारा ब्राइड ग्रूम भी है, वो हमारा सब कुछ है, क्योंकि वो हमारा कल्याण करने वाला है, वही हमारा सज्जन है। तो यहां हम सब सीताओं का राम वो है,
जो हमारा कल्याण करने वाला है, वो आते ही हैं सर्व की सदगति करने। तुम बच्चों को श्रृंगार कराते हैं, तुमको डबल इंजन मिली है। रोल्स रॉयल्स में इंजन बहुत अच्छी होती है। रोल्स रॉयल्स क्या है? रोल्स रॉयल्स क्योंकि हमारे यूज में नहीं है ये। हाँ, गाड़ी का नाम है ये गाड़ी का नाम है। पहले जो है ना, इंग्लैंड से ये गाड़ी आया करती थी। हाँ जी, हाँ, पहले तो बाबा के टाइम में, ब्रह्मा बाबा के टाइम में तो इंग्लैंड के रहने वाले आना जाना होता था, वहां से इनकी गाड़ियां आई हुई थी। रोल्स रॉयल्स गाड़ी होती थी, इंग्लैंड से आती थी, तो उसका इंजन बहुत बढ़िया है। बाप भी ऐसे कहते हैं, पतित पावन आओ। बाप भी है कहते हैं, पतित पावन आओ, हमको पावन बनाकर साथ ले जाओ। तुम सब शांति में बैठे हो, कोई झांझ आदि नहीं बजाते हो, तकलीफ की बात नहीं। चलते फिरते बाप को याद करते रहो, जो मिले उनको रास्ता बताते रहो। बाप कहते हैं, मेरे वा लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण आदि के जो भी भगत है उनको ये दान देना है, व्यर्थ नहीं गवाना है, पात्र को ही दान देना है। पतित मनुष्य पतित को ही दान करते हैं। बाप है सर्वशक्तिमान, उनसे तुम लेकर शक्ति लेकर उत्तम बनते हो। रावण तब आता है, उस समय भी संगम हुआ त्रेता और द्वापर का, और ये संगम है कलयुग और सतयुग। रावण कब आता है? मोटे रूप से कहा जाता है कि द्वापर में आया, परंतु रावण तो पहले दिन से ही आ जाता है। ज्ञान कितना समय और भक्ति कितना समय चलती है, ये सब बातें तुमको समझकर समझानी है। पहले तुम खुद समझो, फिर औरों को समझाना है। मुख्य बात है बेहद के बाप को याद करो। जब बेहद का बाप आते हैं तो विनाश भी होता है। महाभारत लड़ाई भी लकब लगी जब भगवान ने राजयोग सिखाया। जब भगवान ने राजयोग सिखलाया तब क्या लगती है? महाभारत की लड़ाई लगती है। और सत्यार्थ प्रकाश क्या कहता है? सत्यार्थ प्रकाश क्या कहता है? अब से ग्यारहवें समुलास में भूमिका में भी, और ग्यारहवें समुलास का पहला पैराग्राफ है, पहले पैराग्राफ में लिखा, अब से 5000 वर्ष पूर्व केवल और केवल आर्य थे, वेद विरुद्ध कोई बात नहीं थी। जब वेद विरुद्ध होते हैं तो महाभारत होती है। और बाबा कहते बच्चे, जब तुम क्या बन जाते हो? वेद युक्त बनते हो, नियम युक्त बनते हो, तब महाभारत होती है। महाभारत तब होती है। अंतर समझना है ना। उनका कहना है, उनकी दृष्टि कहाँ है कि उनके सामने सबसे श्रेष्ठ ग्रंथ क्या है? वेद, ठीक है नहीं? और वेद जब थे तो सब अच्छे थे। आज से 2500 साल पहले वेदिक काल के अंदर बहुत अच्छा था समाज। मतलब वेदिक काल का मतलब सिंधु घाटी की सभ्यता। हाँ, वेदिक काल का आगे ना, वेद जिस समय लिखे गए उस काल का नाम वेदिक काल रखा। तो ये सिंधु घाटी की सभ्यता उस समय की है। तो सिंधु घाटी की सभ्यता हमें दिखाती है कि उस समय कितनी अच्छी दुनिया थी। क्या सबूत है उसका अच्छी दुनिया का? कि सड़कें उस समय की, आज से 2300-2400 साल पहले, एकदम उत्तर से दक्षिण की तरफ, पूर्व से पश्चिम की तरफ आपस में एक दूसरे को क्रॉस करते थे। ये नहीं होता था, अच्छा सड़क आ रही है, ये ले मेरा मकान, रास्ता तेरा बंद, रास्ता ही बंद कर देते हैं। कहां से जाओगे अब? घूम घाम के कहीं से निकलना पड़ेगा। आज हमारी नीयत कितनी खराब हो गई है। रास्ता बंद, पैसे दे, रास्ता खोल देता हूं, मेरी जगह है। मतलब मैं रास्ता खोलता हूं, रास्ते खोलने के लिए पैसे देने पड़ते हैं।
यदि किसी कॉलोनी को दिक्कत आ रही है तो मतलब कहने का है कि उस समय कितना अच्छा था, नालियां ढकी हुई, सारे मिलकर के सामूहिक स्नानागृह, सामूहिक सब कुछ काम करने के लिए, मतलब एकदम बहुत हम अच्छी तरह समझ सकते हैं कितना अच्छा समय था। हाँ जी, तब से बिगड़ता आ रहा है, तब से थोड़ा थोड़ा बिगड़ते हाँ हाँ, दुनिया में वैदिक काल से इतिहास तो हमारा वहीं से अवेलेबल है ना, इससे पहले का सतयुग और त्रेता का इतिहास तो दुनिया में कहीं भी अवेलेबल नहीं है। हाँ, शिव की शिवलिंग की उपासना मिली है भाई जी, शिवलिंग की उपासना मिलती है पशुपति। नहीं नहीं भाई, ये तो बाद में है, महात्मा बुद्ध वगैरह तो सब बाद में है, शिव की उपासना मिलती है चाहे वो भाई जी। ऐसे पगोड़ा तो दुनिया में कहीं कहीं मिले, मंदिर तो सारे मिले, परंतु जो सिंधु घाटी की सभ्यता है या नील नदी की सभ्यता है या हमारे चीन की सभ्यता है, मतलब इन सब में समानता है, इन सब में समानता है, क्योंकि ये बात उनके बर्तन उनके मतलब बहुत समानता है। इस विषय को हम बंद करते हैं। तो जब भगवान ने राजयोग सिखलाया था, समझ में आता है नई दुनिया का आदि पुरानी दुनिया का अंत अर्थात विनाश होना है, दुनिया घोर अंधियारे में पड़ी है, अब उनको जगाना है, आधा कल्प से सोए पड़े हैं, बाप समझाते हैं अपने को आत्मा समझ, भाई भाई की दृष्टि से देखो, तो तुम जब किसको ज्ञान देंगे तो तुम्हारी वाणी में ताकत है। यदि हम शरीर को देखते रहेंगे हमारी वाणी में ताकत नहीं, हम आत्मा को देखेंगे, ये परमात्मा का बच्चा है, मैंने इस आत्मा का कल्याण करना है, तो हमारी वाणी में भी क्या आएगी, ताकत आएगी। आत्मा ही पावन और पतित बनती है, आत्मा पावन बने तब शरीर भी पावन मिले, अभी तो मिल ना सके। पावन सभी को बनना है, कोई योग बल से, कोई सजाओं से, मेहनत है याद की यात्रा की, बाबा प्रैक्टिस भी कराते रहते हैं, कहां भी जाओ तो बाबा की याद में जाओ। बाबा की याद में जाने का मतलब क्या है, बाबा की श्रीमत अनुसार जाओ, जैसे बाबा की डायरेक्शन हो, जैसे पादरी लोग शांति में क्राइस्ट की याद में जाते हैं, चुपचाप जाएंगे, इधर उधर नहीं देखेंगे, माला जपते हुए जाएंगे, हाथ में माला भी रहेगी, जपते हुए जाएंगे, शांति से जाएंगे, ये नहीं कि इधर देख उधर देख, कुछ बोल इसको बोल उसको बोल, नहीं, शांति में क्राइस्ट की याद में जाते हैं और क्राइस्ट को याद करते हैं। भारतवासी तो अनेकों को याद करते, बाप कहते हैं एक के सिवाय और किसी को याद ना करो, बेहद के बाप से हम भक्ति और जीवन मुक्ति और जीवन मुक्ति के हकदार बनते हैं। सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती है, सतयुग में सब जीवन मुक्ति में थे, कलयुग में सब जीवन बंधन में, कलयुग में सब क्या हो गए हैं, जीवन बंधन में हैं। ये किसी को भी पता नहीं कि ये सब बातें बाप बच्चों को समझाते हैं, बच्चे फिर बाप का शो करते हैं, बच्चे फिर बाप का शो करते हैं, सब तरफ चक्कर लगाते हैं, तुम्हारा फर्ज है मनुष्य मात्र को ये पैगाम देने की, ये पुरुषोत्तम संगम युग है, बेहद का बाप बेहद का वर्षा देने आया है। बाप कहते हैं माम एकम याद करो, तो विकर्म विनाश होंगे, पाप कट जाएंगे, यह है सच्ची गीता, यह है सच्ची गीता। जो बाप सिखलाते हैं, जो बाप सिखलाते हैं, मनुष्य मत से गिरे हो, भगवान की मत से तुम वर्षा ले रहे हो। मूल बात है उठते बैठते चलते फिरते बाबा को याद करते रहो,
और परिचय देते रहो, बैज तो तुम्हारे पास है, फ्री देने में अर्जा नहीं, किसी को दे दो फ्री। लेकिन लेकिन पात्र देखकर इस लायक है कि वो बैज लगा सके, ये जरूर देखो, परंतु बैज किसी को भी दे दो, फ्री में दे दो। बाप बच्चों का उलहना देते हैं कि तुम बिल्कुल बाप को याद करते हो, तुम लौकिक बाप को याद करते हो और मुझ पारलौकिक बात को याद करना भूल जाते, शर्म नहीं आती? कैसे बाबा पूछ रहे, शर्म नहीं आती? लौकिक बाप को याद करते रहते हो और मुझ पारलौकिक बाप को भूल जाते हो। तुम ही पवित्र प्रवृत्ति मार्ग के ग्रस्त व्यवहार में थे, सतयुग में तुम किस में थे, पवित्र प्रवृत्ति मार्ग के ग्रस्त व्यवहार में थे, अब फिर बनना है। तुम हो भगवान के सौदागर, अपने अंदर देखो, बुद्धि कहां भटकती तो नहीं है, बाप को कितना समय याद किया, बाप कहते हैं और संग तोड़, एक संग जोड़ो। भूल नहीं करनी है, ये भी समझाया है, भाई भाई की दृष्टि से देखो तो देह नहीं देखेंगे, दृष्टि बिगड़ेगी नहीं, मंजिल है ना। ये ज्ञान अभी ही तुमको मिलता है, भाई भाई तो सब कहते हैं, दुनिया में सारे कहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब, मनुष्य कहते हैं ब्रदरहुड भाईचारा, ये तो ठीक है, परमपिता परम आत्मा की हम संतान हैं, फिर यहां क्यों बैठे हैं, फिर यहां क्यों बैठे हैं भाई, मरने के लिए तो सवेरे सवेरे मरने के लिए बैठे हैं जी, जीते जी मरने के लिए। बाप स्वर्ग की स्थापना करते हैं तो ऐसे ऐसे समझाते, उन्नति को प्राप्त करते रहो, बाप को सर्विस एबल बच्चियां बहुत चाहिए, सर्विस एबल बच्चियां बहुत चाहिए। सेंटर्स खुलते जाते हैं, बच्चों का शौक है, समझते हैं बहुतों का कल्याण होगा, परंतु टीचर संभालने वाली भी अच्छी महारथी चाहिए, टीचर्स भी नंबरवार हैं। बाबा कहते हैं जहां लक्ष्मी नारायण का मंदिर हो, शिव का मंदिर हो, गंगा का कंठा हो, जहां बहुत भीड़ होती हो वहां सर्विस करो, समझाओ। भगवान कहते हैं वहां जाके समझाओ, भगवान कहते हैं काम महा शत्रु है। तुम श्रीमत प्रमाण सर्विस करते रहो, ये तुम्हारा ईश्वरीय परिवार है, यहां सात रोज भट्टी में आकर परिवार के साथ रहते हैं, रहते हो, तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए, बेहद का बाप जिससे तुम पद्मा पदम भाग्यशाली बनते हो, दुनिया जानती नहीं कि भगवान भी पढ़ा रहे हैं, पढ़ा सकते हैं, जहां तुम पढ़ते हो तो तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए, हम ऊंचते ऊंच जाने के लिए पढ़कर पढ़ रहे हैं, कितना प्राक दिल बनना चाहिए, कितना फ्राक दिल बनना चाहिए। बाप के ऊपर तुम कर्जा चढ़ाते हो, ईश्वर अर्थ जो देते हो दूसरे जन्म में इनका रिटर्न लेते हो ना, बाबा को तुमने सब कुछ दिया तो बाबा को भी सब कुछ देना पड़ेगा,
तुमने सब कुछ बाबा को दिया तो बाबा भी क्या देगा, सब कुछ देगा आपको, बाबा भी सब कुछ देगा, सीधा फैसला करते हैं ना। ठीक है, आपने क्या दिया, तन मान धन, बाबा क्या देगा, उसके पास जो कुछ है वो सारा दे देगा, ना हमारा लेता ना हमारा देता, सिर्फ अपना अपना देता है। उसके पास है ज्ञान, पवित्रता, शांति, शक्ति, ठीक है, आनंद, सातों सातों गुण आठों शक्ति, वो दे देगा। मैंने बाबा को दिया ये कभी ख्याल नहीं आना चाहिए, बहुतों के अंदर चलता है, हमने इतना दिया हमारी खातरी क्यों नहीं हुई, हमें बताओ बैठने के लिए भी नहीं कहा, इतना पैसा दिया। तुम चावल मुट्ठी देकर विश्व की बादशाही लेते हो, बाबा तो दाता है ना, राजाएं राजाएं रॉयल्स होते हैं। पहले पहले जब मुलाकात होती है, राजा से मिलने के लिए को जाते हैं ना, मुलाकात होती है तो हम नजराना देते हैं राजा को, राजा को क्या देंगे, हाँ जी भाई, बाबा कहते हैं ना गरीब का एक रुपया और शाहूकार का हजार, इसका मुझे मतलब होता है, बैंक वाले बताओ, गरीब एक रुपया जमा कराए आपके खाते में और एक हजार रुपया जमा कराए, आपसे बराबर देंगे, बिल्कुल, उसका गरीब का एक ही रुपया काफी है, क्यों नहीं, ये तो बैंक के हिसाब तो अलग है, लेकिन बाबा के ज्ञान क्यों काफी है वो बताओ ना, क्योंकि उसकी लिमिट जो है उसकी उसने दिल से दिया, तो एक हजार रुपया वाले ने दिल से दिया है, नहीं नहीं उसने भी दिल से दिया है, पैसे तो चाहिए नहीं, आज आज की मुरली में तो बाबा ने कर दिया, फिर आपने पैसे के झमेले में हमें फंसा दिया, पैसे तो बाबा लेता ही नहीं है, हाँ जी अपना भाग्य बनाता देखे, बाबा को तो चाहिए नहीं कुछ। अब किसी ने एक रुपया खर्च किया, पहले पांच रुपया कहते ना एक प्रदर्शनी, पांच रुपए की प्रदर्शनी ली और उससे उसने सैकड़ों लोगों को बाबा का मालिक बना दिया, और एक ने लाखों रुपया खर्च करके बहुत बड़ा म्यूजियम बनाया, अंदर कोई घुसता नहीं, किसका भाग्य बनेगा, थे नहीं? मैं हमारे यहाँ तो पैसे से कोई मतलब नहीं, बात तो सारी ये है कि हमने पैसा किस प्रकार से खर्च किया, फिर मैंने उसके लिए कितना त्याग किया। भाई गरीब आदमी के पास दस रुपए थे, उसमें से एक रुपया उसने निकाल दिया, अब उसके पास दस हजार रुपए थे, उसने एक हजार रुपया निकाल दिया, त्याग कितना किया, बराबर किया ना, जिसने बराबर त्याग किया है, त्याग देखता है बाबा कि आपका कितना त्याग है, तो ये जितना आपने त्याग किया उतना ही तो मिलेगा ना हमें, पैसे कितने दिए, यूज हम ठीक करेंगे तब तो फायदा है ना, हम उसका यूज ही गलत करेंगे तो खराब हो जाएगा ना, बात तो वही है, जिसने भंडारी में पैसा दिया, जिन आत्माओं को बाबा से सेल्वेशन मिली वो पैसा बाबा की सेवा में खर्च हुआ, तब तो है, अब इस भंडारी से पैसा निकाल कर मैं अपने खर्च कर लूं, आपको क्या पता, थे हाँ जी, बहुत बच्चे हैं, ये गलतफहमी अपने दिमाग से निकाल दो, मतलब प्रश्न को ये मतलब इस प्रश्न को हम समझे कि भी
ठीक है हम अपने तरफ से कर रहे हैं, परंतु जो कर दे तो क्या करोगे, क्योंकि नहीं, हाँ उनका कर्म है, हमने उसका कर्म है। अब ये बात आते उस समय बाबा कहते कि आपने पैसा हाथ में दिया और जिसको हाथ में दिया उसने अपने खर्चे में लगाया तो उसके जिम्मेवार मैं नहीं हूं, जिसने लगाया वो आपको देगा। ठीक है, अब ये सारी बातें बहुत अच्छी तरह से समझनी है ना, कि इन बातों को कि पैसे का फायदा हमें तब है जब वो काम में लगा। अब मैंने ऐसी बहन जी को दिया पैसा, उसने सारा पैसा बैंक में जा सड़ गया, किसी का फायदा ही नहीं हुआ, किसी आत्मा को ज्ञान ही नहीं मिला, तो पैसा क्या हुआ, हमें क्या मिलेगा, सोच के देखो ना। मान लो मैंने किसी बहन जी को दिया, बस ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर दिया, अब उस सेंटर का पैसा बैंक में पड़ा है, यानी लाखों करोड़ों रुपया पड़ा है, तो वो खर्च ही नहीं कर रहे, या किसी को बाबा का संदेश नहीं मिल रहा, तो क्या हुआ पैसा, अब हमें क्या मिलेगा, हमें क्या मिलेगा, हमें तो मिलेगा तब जब वो पैसा खर्च होगा, और पैसा भी खर्च इसमें हो। यदि वो पैसा लेविश में खर्च हो रहा है, आशाराम की चीजों पर खर्च हो रहा है, किसको मिलेगा, वो बहन जी उनकी सेवा करेगी, बस वो भाई उनकी सेवा करेगा। कि मैंने पैसे को अपने जीवन में खर्च किया तो मुझे वो कर्जा चुकाना है, बाबा ने कुछ नहीं देना, मतलब सीधा सा बहुत बहुत अच्छी तरह से समझना है ना। बड़ा ये जो पैसे का मामला है ये बड़ा अजीब है, हम उस पैसे से कितनी आत्माओं का कल्याण करने के निमित्त बने, बहुत गहराई से इस बात को समझना है। कर्मों की गति बड़ी गुह्य है, हर एक एक्ट कर्म में शामिल हो रहा है। तो हमें हम नजराना देते तो वो कभी हाथ में नहीं ले रहे, कितनी बाबा हमें, बाबा कैसे अपने आप को बचा रहा है, निकाल रहा है, निकालने के लिए भी एग्जाम्पल बाबा ने अपने पास रखे हुए हैं, अपने आप को अलग करने के, कैसे कर रहा है, हम नजराना देंगे राजा कभी हाथ नहीं लगाएगा, लेगा नहीं, सेक्रेटरी को इशारा करेगा ले लो, सेक्रेटरी ले लेगा, सेक्रेटरी तरफ इशारा करेंगे तो शिव बाबा तो दाता है, आप देंगे वो लेगा, फिर उसने इशारा कर दिया ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर भंडारी में डाल दो, यही है ना बाबा को देने का तरीका, तो यही है ना, ब्रह्मा कुमारी सेंटर पड़ा दीदी को दे दो। तो शिव बाबा जो दाता है वो कैसे लेंगे, मैं कैसे लूंगा, मैं दाता हूं, मैं तुम्हारे से लेकर क्या करूंगा, बाप बच्चे से कैसे ले ले वे? कभी नहीं लेता, ये तो बेहद का बाप है ना, इनके आगे तुम नजराना रखते हो, परंतु बाबा तो रिटर्न में 100 गुना देंगे, बाबा रिटर्न में 100 गुना देंगे, क्या देंगे 100 गुना भाई, तो मैंने दिया ये ख्याल कभी नहीं आना चाहिए, हमेशा समझो हम तो लेते हैं, वहां तो पद्मपति बनेंगे, तुम प्रैक्टिकल में पद्मा पद्म भाग्यशाली बनते हो, बहुत बच्चे प्राक दिल भी हैं, तो कोई मनहूस कंजूस भी हैं, समझते ही नहीं है कि पद्मा पद्म पति हम बनते हैं, हम बहुत सुखी बनते हैं, जब परमात्मा बाप गैर हाजिर है तो इनडायरेक्ट अल्पकाल के लिए फल देते हैं, जब जब हाजिर है तो 21 जन्म के लिए देते हैं। ये गाया हुआ है शिव बाबा का भंडारा भरपूर, देखो ढेर बच्चे हैं, किसको भी ये मालूम नहीं है कि कौन का क्या देते हैं, बाप जाने और बाप की गोथड़ी जाने, ब्रह्मा जाने, बाप जाने और बाप की गोथड़ी, ये ब्रह्मा जाने, जिसमें बाप रहते हैं बिल्कुल साधारण, इस कारण बच्चे यहां से बाहर निकलते हैं, जिसमें बाप रहते हैं बिल्कुल साधारण, इस कारण बच्चे यहां से बाहर निकलते हैं, तो ये नशा गुम हो जाता है, ज्ञान योग नहीं तो खिट खिट चलती रहती, खिट खिट आपस में लड़ाई झगड़ा चलता रहता है।
अच्छे अच्छे बच्चों को भी माया हरा देती है, माया बेमुख कर देती है। शिव बाबा जिसके पास तुम आते हो उनको तुम याद नहीं कर सकते हो। अंध अथा खुशी होनी चाहिए, वे दिन आया आज जिसके लिए कहते थे, जिसके लिए कहते थे आप आएंगे तो हम आपके बनेंगे। भगवान आकर एडॉप्ट करते हैं तो, भगवान आकर एडॉप्ट करते हैं तो कितना खुश नसीब कहेंगे। कितनी खुशी में रहना चाहिए, परंतु माया खुशी गंवा देती है। माया ऐसी है हमारी सारी खुशी को खा देती है, खा जाती है। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर एक, भगवान ने हमें एडॉप्ट किया है, यही हम वही है, हमें टीचर बनकर पढ़ा रहे हैं। अपना पद्मा पदम भाग्य सिमरण कर खुशी में रहना है। हम आत्मा भाई भाई हैं, ये दृष्टि पक्की करनी है। देह को नहीं देखना है। भगवान से सौदा करने के बाद फिर बुद्धि को भटकाना नहीं, बुद्धि को भटकाना नहीं है। वरदान, इस अलौकिक जीवन में संबंध की शक्ति से अविनाशी स्नेह और सहयोग प्राप्त करने वाले श्रेष्ठ आत्मा बनो। क्या बनो? श्रेष्ठ आत्मा बनो। इस अलौकिक जीवन में संबंध की शक्ति आप बच्चों को डबल रूप में प्राप्त है, एक बाप द्वारा और सर्व संबंध, दूसरा दूसरा देवी परिवार। ये हमारा अलौकिक परिवार है जो हमारा। इस संबंध से सदा निस्वार्थ स्नेह, अविनाशी स्नेह और सहयोग सदा प्राप्त होता रहता है, तो आपके पास संबंध की भी शक्ति है। ठीक है, संबंध की भी शक्ति। ऐसे श्रेष्ठ अलौकिक जीवन वाली शक्ति संपन्न वरदानी आत्माएं हो, इसलिए बाप दादा सदा राजी रहने वाले बनो। बाप दादा के, बाप दादा के से सदा क्या बनो? राजी रहने वाले बनो। ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा स्लोगन नहीं हुआ, होते गया, हो गया। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।